हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए, ठीक ठाक हो गए और अपने अपने घरों में सेफ हो गए। तो आज है अनन्या का बर्थडे, 5 अक्टूबर, और शुरुआत हो चुकी है सुबह की। तो मैं सबसे पहले अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, तो सुबह सुबह एनर्जी होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने सुबह चाय पी ली, नमकीन खा ली, और अब लग गई हूँ मैं अनन्या के बर्थडे की प्रेपरेशन में। यानी कि अब मैं कर रही हूँ अनन्या के बर्थडे की तैयारी। तो इसमें ना कुछ सामान था, जैसे कि बलून वगैरह, तो मैं उनको निकाल के रख रही थी। और बाकी जो इसमें सामान है वो केक वगैरह रखने के लिए है, यानी पत्तल वगैरह है, तो वो मैंने नहीं खोला, उसको ऐसी साइड में रख दिया। और यहाँ पे ये देखिए, ये है हैप्पी बर्थडे का बैनर, और ये रहे बलून। और बलून का मैं 50 का पीस लेकर आई थी, क्योंकि 50 का सही दिया था उन अंकल ने लगा के। अकॉर्डिंग अगर तो हम थोड़े लेते ना 20-25, तो वो थोड़े से महंगे दे रहे थे, इसीलिए। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बलून का है ना, ये मैं पिंक कलर में लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पिंक कलर अच्छा लगा। और हम अनन्या का बर्थडे भी थीम पिंक ही प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए पिंक मैं लेकर आई हूँ। और ये देखो, अभी मैं इसे खोल के आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर बहुत मतलब लिखे हुए हैं शब्द, उनको फुलाना है। ये पाइप है इसकी हेल्प से। और अनन्या को देख रहे हो कितनी खुशी हो रही है, वो कैसे बैठी हुई है, सामान को छू छू के देख रही है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको फुलाना स्टार्ट करूँगी, और अपने आप ही, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की डेकोरेशन मैं रूम में कर लूँगी अनन्या के बर्थडे के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी, तो बस डेकोरेशन कर लूँगी। और बलून ना बहुत सारे हैं इसमें, पूरे 50 पीस हैं बलून के। इतने सारे तो रूम में लगेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, पैकेट रखा रहेगा, आगे काम आ जाएगा नेक्स्ट बार में। तो बस यहाँ पे ही देखिए, बलून फूल गए ना, और अच्छा भी लग रहा है ना। बस मैं इसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ, बलून वगैरह फुलाने में। चलिए पहले मैं बलून वगैरह फुला लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखो, अनन्या भी मेरी हेल्प कर रही है, मुझे उठा उठा के देती है। देखो पकड़ के खड़ी हो रही थी, तो बस सारा मतलब जो अनन्या के लिए मैंने बैनर वगैरह तैयार किया था, वो मैंने चिपका दिया है दीवार पे, आपको दिख ही रहा है। और जो हैप्पी बर्थडे का बैनर था, मैंने वो भी चिपका दिया है। उसके बाद अब मैं लगा दूंगी थोड़ी सी झाड़ू, क्योंकि क्या हुआ ना, जो मैं बलून फुला रही थी, तो उसमें से ना काफ़ी सारे बलून फूट के गिर गए, और इसीलिए मुझे बलून को मतलब झाड़ू लगानी है थोड़ी सी। बाकी तो घर साफ़ है, लेकिन झाड़ू लगानी है, तो बस अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे बस मैं टीवी में चैनल चेंज कर रही थी, बाकी जिस सामान का यूज़ नहीं है मैंने वो उठा के रख दिया है। और जितने ही बची वो बलून है ना, मैंने उनको भी वापस रख दिया था, क्योंकि अभी उनका भी यूज़ नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो, अभी फटाफट में झाड़ू लगा लेती हूँ, बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। और आप लोग बताना कि मेरा ये टॉप कैसा लग रहा है, मतलब ये टॉप एंड कुर्ती दोनों मिक्स है। वैसे तो एक शर्ट है, लेकिन मैंने इसको आगे से बिल्कुल सिल दिया, तो ये टॉप बन गया है। तो बस इसीलिए मैंने आज ये पहन लिया। और आप ये मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि ये ना मैंने कल ही निकाले हैं मतलब कपड़े, तो बस मैंने आज पहन लिया है ये। और बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल कॉटन का है, इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ आपको, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है।
तो बस अंदर झाड़ू लगा दी रूम में, उसके बाद बस मैं यहाँ पे बाहर झाड़ू लगाऊंगी और तैयार होंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रूम की डेकोरेशन मैंने किस तरीके से की है। और खाना वगैरह मैंने बना लिया था पहले ही, मतलब इसके बाद में पहले मैंने खाना वगैरह बनाया था, और बस लास्ट में सबसे शाम को तैयार हुई थी। सोचा था शाम को ही कपड़े पहन लेंगे, क्या है अभी तो दिन में काम वगैरह भी करना है, इसी वजह से मैंने दिन में कपड़े नहीं पहने थे। ये देखो रूम कैसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा कुछ बताया ना, मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की, सिर्फ हैप्पी बर्थडे का बैनर चिपकाया है नन्हे का, और साइड में एक या दो दो बलून लगा दिए हैं, बस ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है और इतना ही काफ़ी है। फिर हस्बैंड ने भी बोला कि ज़्यादा रूम में क्या फ़ायदा है करने का, इतना ही रहने दो। तो बस यहाँ देखो इस साइड में बलून लगाए और सामने वही हैप्पी बर्थडे का बैनर है, और इधर साइड में मैंने इस तरीके से बलून लगा दिए हैं। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मैंने अपने बाल धो लिए हैं, साथ में पहनी है ये वाली, मतलब ये एक मेरा टॉप है जो कि मैं भी न्यू न्यू है, तो आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो आपको मैं कभी और दिखाऊंगी। इसका भी ना थोड़ा सा कुर्ती स्टाइल है, आगे से ये शॉर्ट है और पीछे से ना ये थोड़ा सा लॉन्ग है। और अभी दिखाती हूँ आपको अनन्या को, मैंने उसको भी रेडी कर दिया है। तो ये देखिए आज की हमारी बर्थडे गर्ल, और ये रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे अपने बर्तनों के साथ में खेल रही थी। और अभी इसका पता है फाइनल लुक मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी प्रिंसेस बना के। तो ये देखिए ये है पूरा फाइनल लुक हमारी प्रिंसेस का, क्योंकि आज तो हमारी डॉल का बर्थडे है, तो आज इन्हीं का दिन है। ये देखो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। ये इनके पास जादू की छड़ी है, प्लस ये रेडी हो गई हैं, हेयर बैंड जो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत क्यूट लग रही थी ये। पूरा रूम घर एकदम साफ सुथरा, तैयारी हो चुकी है प्रॉपर, अभी बस आपको आगे आगे देखते जाइए। दिखाती हूँ मैं चल के केक आने के लिए, जो केक है तो ये देखिए उसके बर्थडे का केक कैसा लगा। और पता है मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला, सारा एकदम से दिन बीत गया। और रात में तो पता है रात इतनी जल्दी जल्दी जा रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोगों को पता है ये सब कुछ करने में भी पता है बहुत टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए केक वगैरह आ चुका है और अनन्या भी बैठी हुई है, अभी दिखाती हूँ आपको बैठ के कैसी लग रही है। देखो कैसे बैठी हुई है, देखना फेस इसने कैसा बना रखा है, सैड सा चेहरा बना रखा है, ऐसे बेफिजूल मतलब ऐसे मुंह फुला के दिखा रही थी ये। और ये देखो कैसे घूर घूर के देख रही है ना, ये ऐसी कर रही है। आज इसका बर्थडे है फिर भी ना इसका थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, तो बस अभी हम लोग ना केक कट करेंगे अनन्या का। तो बस अभी जाएंगे हम केक कट करने के लिए, और ये देखो केक अच्छा लग रहा है रखा हुआ। पिछली बार भी ना इससे थोड़ा मिलता जुलता केक था इसके फर्स्ट बर्थडे पे, और ये भी थोड़ा मिलता जुलता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। और इसका ना टेस्ट तो बहुत प्यारा था। ये देखो अनन्या दिख रही है आपको फ़ोन में, इनके फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बर्थडे गर्ल है तो इसके फ़ोटोज़ तो खींचने नॉर्मल है। और ये हूँ मैं, तो आपको अभी दिख रहा होगा इस टॉप का मेरे नीचे से लुक, यहाँ पे देखो हो रही है केक कटिंग। तो बस यहाँ पे ना मैंने तिलक कर दिया था अनन्या के, और तिलक करने के बाद केक कट होगा। तो ये देखिए केक कट, और यहाँ पे ना मैं कुछ बोल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं है, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पे ये देखो केक कट, और देखने कैसे स्माइल कर रही है केक कट करते टाइम। तो बस फाइनली अनन्या का केक कट हो गया है और हमने इन्जॉय किया, मतलब काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। लेकिन ना इस बार थोड़े पिक्चर्स वगैरह नहीं ले पाए हम अनन्या के साथ में, पिछली बार तो ऐसा था कि इसको गोद में लेके हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिए थे काफ़ी सारे, लेकिन इस बार हम कोई भी पिक्चर्स वगैरह नहीं ले पाए थे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो केक कट हो चुका है, और अब मैं सबसे पहले खिलाऊंगी अनन्या को, क्योंकि अनन्या का बर्थडे है तो सबसे पहले उसी को खिलाना चाहिए ना, तो सबसे पहले उसे ही खिलाऊंगी जो हमारी बर्थडे गर्ल है, तो पहले उसको खिलाया जाएगा केक। ये देखिए और उसको कितना अच्छा लग रहा है केक खाने में, उसको इतना मज़ा आ रहा था कि पता है वो बहुत सारा केक पता है आराम से खा रही थी। और यहाँ पे ये देखिए केक रखा हुआ है, और ये रहा इसका गिफ्ट, मैंने सोचा गिफ्ट भी लगे हाथ दिखाई देती हूँ जब सब कुछ दिखा रही हूँ। तो ये है गिफ्ट, और ये दिया था मेरी मम्मी ने अनन्या को, मम्मी ये गिफ्ट मतलब बहुत पसंद करके लाई हैं, और इस गिफ्ट
की वजह से अनन्या बहुत खुश है, उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया और मम्मी ने गिफ्ट भी ऐसा दिया है ना जो अनन्या को सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो इसे लिए हैं। बस यहाँ पे ये नानी की गिफ्ट के ऊपर बैठी है और मम्मी देखो कलर भी बिल्कुल मैचिंग मैचिंग लाई है, पिंक कलर की उसने आज ड्रेस पहन रखी है और उसका जो गिफ्ट था वो भी पिंक कलर का ही था। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, मैं जो शॉप पे गई थी आपने देखा होगा, तो मैं लेकर के आई थी ये अनन्या के लिए, क्योंकि आपको पता है इस टाइम ना वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो वो कॉपी किताबों पे ना लाइनें वगैरह बना देती है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए ये बोर्ड खरीद दिया है जिससे कि अब ये मैं कहीं दीवार पे टांग दूंगी, वरना अगर बेड पे भी रखूंगी तो ये इस पर बैठ के आराम से अपनी लाइनें बनाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो एक तरफ से, एक तरफ इस पे चौक से है और दूसरी तरफ ये मार्कर से लिखा जाएगा, तो ये भी इस चीज़ में भी कंफर्टेबल है कि चौक ख़त्म हो जाए तो मार्कर से कर दो, मार्कर ना हो तो चौक से कर दो, तो ये डबल साइडर है। तो बस अनन्या के ये भी यूज़ में आएगा। अब मैं दिखा देती हूँ उसका लास्ट में केक, इसकी ना चॉकलेट वगैरह सब खत्म हो गई है, मतलब चॉकलेट वगैरह निकाल के खाली खाली केक बचा है। और अब आपको दिखाते हैं हमारे बर्थडे के कुछ फ़ोटोज़।